हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आईपैड टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, ये हमारा तीसरा टेस्ट है और आते हैं तीसरा टेस्ट का पहला क्वेश्चन। वर्चुअल हाइट ऑफ ए आयनोस्फेरिक लेयर, आयनोस्फेरिक लेयर का वर्चुअल हाइट कितना होता है? ट्रू हाइट के बराबर होता है या फिर लेस देन होता है या फिर हायर देन ट्रू हाइट होता है? तो सही आंसर हो जाएगा, जो हमारा आयनोस्फेयर होता है उसका उसका लेयर का जो हाइट होता है ट्रू हाइट से ज़्यादा होता है, ठीक है, हायर देन ट्रू हाइट। उसके बाद आते हैं, ए सर्किट इज डिसकनेक्टेड बाई आइसोलेटर व्हेन, एक सर्किट को आइसोलेटर के द्वारा डिसकनेक्ट कब करते हैं? तो इसका सही आंसर, चार ऑप्शन दिया है, लाइन इज एनर्जाइज, देर इज नो करंट इन द लाइन, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, देर इज नो करंट इन द लाइन। अगर लाइन में कोई करंट नहीं होगा तो उस समय हम लोग सर्किट को आइसोलेटर के द्वारा अलग करते हैं। उसके बाद है ड्यूअलिटी थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी ऑफ फोरियम ट्रांसफॉर्म स्टेट दैट, ड्यूअलिटी थ्योरम का डिफिनेशन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेप ऑफ सिग्नल, शेप ऑफ सिग्नल इन टाइम डोमेन, यहाँ पर ठीक है, एंड शेप ऑफ स्पेक्ट्रम कैन बी इंटरचेंजेबल। तो यहाँ पर शेप ऑफ सिग्नल जो होना चाहिए वो टाइम डोमेन में होना चाहिए और शेप ऑफ स्पेक्ट्रम जो होगा वो इंटरचेंजेबल होगा, तो ये इसका सही डिफिनेशन होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विच एमंग द फॉलोइंग रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ गेन, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में इसमें से कौन है जो गेन से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता है? पहला ऑप्शन है क्लोज लूप पोल, ओपन लूप पोल, क्लोज लूप पोल, बोथ, तो इसका सही आंसर होगा ओपन लूप पोल। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, द कॉमनली यूज डिटेक्टर इन एसी ब्रिज, एसी ब्रिज में कॉमनली कौन सा डिटेक्टर यूज होता है? तो इसका सही आंसर होगा हेडफोन ट्यून एम्पलीफायर और साथ में वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। उसके बाद है ए स्क्वायर कॉर्नर रिफ्लेक्टर इज यूज इन, स्क्वायर कॉर्नर रिफ्लेक्टर कहाँ पर यूज होता है? तो ए रेडियो एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में भी यूज होता है, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में, द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर सेटेलाइट कम्युनिकेशन, सेटेलाइट कम्युनिकेशन के फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? तो ए होगा 3000 से लेकर के 30000 मेगा हर्ज तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हिच नंबर इज एडेड टू एन इन करेक्ट रिजल्ट ऑब्टेन इन बीसीटी एडिशन, बीसीटी एडिशन के दरमियान जब इनकरेक्ट रिजल्ट आता है तो करेक्शन के लिए हम लोग कितना जोड़ते हैं? मान लेते हैं हम 6 और 9 ऐड कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर 15 आएगा, ये सारा बाइनरी नंबर में होगा, तो 15 हमारा जो होता है बीसीडी कोड में करेक्ट नहीं होता है, बीसीडी में हम लोग 9 तक ही करेक्ट मानते हैं, तो 15 आ जाने के बाद हम लोग 6 उसमें ऐड कर देते हैं, 6 ऐड करने से हमारा जो आंसर है वो सही हो जाता है, तो इसका सी सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर आर्मर ऑफ हाई वोल्टेज केबल, आर्मर के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट होता है? तो सबसे ऊपर सीट होता है, उसके बाद आर्मर होता है और उसके बाद बेडिंग होता है, तो हमारा जो आर्मर होता है वो स्टील का बना होता है। आर्मर इसलिए होता है ताकि अंदर में जो लेड है उसको किसी तरह कोई क्षति ना पहुंचे, मैकेनिकल डैमेज ना हो, इसके लिए आर्मर लगाया जाता है। उसके बाद विथ इंक्रीज इन फायरिंग एंगल, फायरिंग एंगल से इंक्रीज होने से क्या होगा? तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इंक्रीज कर जाएगा, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इंक्रीज एंड साथ में क्वालिटी ऑफ इनपुट करंट डिक्रीज, क्वालिटी ऑफ इनपुट करंट डिक्रीज, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ इनपुट करंट डिक्रीज करेगा पर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है इंक्रीज करेगा फायरिंग एंगल बढ़ाने से। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, पिन टाइप इंसुलेटर आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर वोल्टेज बाउंड, पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है किस वोल्टेज रेंज तक यूज होता है? तो ये 33 किलो वोल्ट तक यूज होता है, ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर, यहाँ चार टाइप का इंसुलेटर दिया हुआ है, पिन टाइप जो होता है अप टू 33 किलो वोल्ट और सस्पेंशन टाइप 33 किलो वोल्ट के बाद यूज होता है, ठीक है, इसका प्रत्येक जो लेयर जो हर सस्पेंशन का जो प्रत्येक लेयर होता है 11 11 के वी का बना होता है, तो अगर हम लोग ये जो जनरली यूज होता है सस्पेंशन टाइप 3 से ज़्यादा यूज होता है, मतलब कि 33 के वी से ऊपर के लिए हम लोग दूसरा नंबर यूज करते हैं, दो ही याद रखना है, एक लोअर देन 33 के भी, एक अपर देन 33 के भी, तो एक हो जाएगा पिन टाइप और दूसरा हो जाएगा सस्पेंशन टाइप। उसके बाद है ए करंट ट्रेसर रेस्पोंड टू, करंट ट्रेसर रेस्पोंड टू स्टेडी करंट ओनली, पल्सेटिंग करंट ओनली, इसका सही आंसर होगा पल्सेटिंग करंट ओनली, करंट ट्रेसर जो होता है सिर्फ पल्सेटिंग करंट को ही डिटेक्ट कर पाता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रेजेंट इन ए सर्किट अदर देन द डिजायर सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि डिजायर सिग्नल से अलग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो नॉइज होता है। उसके बाद है नंबर ऑफ सेल इन ए चार वेरिएबल के मैप, चार वेरिएबल के मैप के लिए 2 के पावर 4 करेंगे तो हमारा 16 आएगा, तो ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेडिएशन पैटर्न ऑफ ए पैराबोला एंटीना, पैराबोला एंटीना का रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है, तो ये हाईली डायरेक्शनल होता है, पैराबोला एंटीना का हाईली डायरेक्शनल होगा रेडिएशन पैटर्न। उसके बाद मटेरियल यूज्ड फॉर शीथ ऑफ अंडरग्राउंड केबल, शीथ के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो शीथ के लिए लेड यूज होता है। उसके बाद है फॉर एनी ट्रांसफर फंक्शन द कॉन्स्टेंट फेज एंगल लोकस, कॉन्स्टेंट फेज एंगल लोकी क्या होता है किसी ट्रांसफर फंक्शन के लिए, तो ये एक सर्किल होता है। उसके बाद अगला है, इफ ए सिस्टम इज सेड टू हैव ए डैम्पिंग फैक्टर, जीटा का वैल्यू दे दिया है और द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन दिया हुआ है, तो ओमेगा आर क्या होगा, तो ओमेगा आर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ओमेगा एन अंडर रूट 1 - 2 जीटा स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने से फाइनल आंसर आएगा 1.2456, तो ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट निगेटिव नंबर विच कैन बी स्टोर इन 8-बिट कंप्यूटर यूजिंग सेकेंड कम्प्लीमेंट अर्थमेटिक, तो सेकेंड कम्प्लीमेंट अर्थमेटिक का जो रेंज होता है वो -2n-1 से लेकर के -2n-1 तक होता है, तो 2n-1 करेंगे तो 2 के पावर 7 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 के पावर 7-1, तो इसका रेंज आ जाएगा -128 से 127 तक, तो -128 सही आंसर होगा बी। उसके बाद अगला है, इन स्क्वायर वेव ऑपरेशन मोड ऑफ 3 फेज VLSI द VSI इसमें से कौन सा हो जाएगा, कैन नॉट कंट्रोल द लोड वोल्टेज, ठीक है, एक्सेप्ट बाय मीन्स ऑफ डीसी लिंक वोल्टेज, सिर्फ डीसी लिंक वोल्टेज को ही कंट्रोल करता है। उसके बाद हेलिकल कॉयल कैन बी यूज्ड ऑन, हेलिकल कॉयल कहाँ पर यूज होता है, तो ए लो वोल्टेज साइड यूज होता है केवीए ट्रांसफार्मर में, ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा लो वोल्टेज साइड ऑफ हाई केवीए ट्रांसफार्मर। उसके बाद आर्मेचर रिएक्शन इन जनरेटर रिजल्ट इन, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जनरेटर में क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं हमारा नॉर्थ पोल है और ए साउथ पोल है, तो और मोटर अगर इस हम मोटर का केस ले रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ए हमारा लीडिंग एज होगा और ए ट्रेलिंग एज होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब कि ए मैग्नेटाइज हो जाता है लीडिंग पोल पर, लेकिन जनरेटर के लिए मोटर जनरेटर ए हमारा जो केस हुआ मोटर के लिए हुआ, जनरेटर के लिए अपोजिट हो जाएगा, तो लीडिंग में हो जाएगा डी मैग्नेटाइज क्योंकि यहाँ पर लीडिंग में मैग्नेटाइज हो रहा है, ट्रेलिंग जो हो जाएगा ट्रेलिंग में हो जाएगा यहाँ पर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, यहाँ पर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नेटाइज, मतलब कि ट्रेलिंग इंड में जो होगा मैग्नेटाइज और लीडिंग इंड में डीमैग्नेटाइज, तो डीमैग्नेटाइज इन लीडिंग पोल एंड मैग्नेटाइज इन ट्रेलिंग पोल, ये इसका सही आंसर होगा जनरेटर के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ए स्क्वायर कॉर्नर रिफ्लेक्टर इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, स्क्वायर कॉर्नर रिफ्लेक्टर इसमें से किस में यूज होता है, तो स्क्वायर कॉर्नर रिफ्लेक्टर टीवी, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और रेडियो एस्ट्रोनॉमी तीनों में यूज होता है, तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, थैंक यू। हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आईपैड टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, ये हमारा तीसरा टेस्ट है और आते हैं तीसरा टेस्ट का पहला क्वेश्चन, वर्चुअल हाइट ऑफ ए आयनोस्फेरिक लेयर, आयनोस्फेरिक लेयर का वर्चुअल हाइट कितना होता है, ट्रू हाइट के बराबर होता है या फिर लेस देन होता है या फिर हायर देन ट्रू हाइट होता है, तो सही आंसर हो जाएगा जो हमारा आयनोस्फेयर होता है उसका उसका लेयर का जो हाइट होता है ट्रू हाइट से ज़्यादा होता है, ठीक है, हायर देन ट्रू हाइट। उसके बाद आते हैं, ए सर्किट इज डिसकनेक्टेड बाई आइसोलेटर व्हेन, एक सर्किट को आइसोलेटर के द्वारा डिस्कनेक्ट कब करते हैं, तो इसका सही आंसर चार ऑप्शन दिया है, लाइन इज एनर्जाइज्ड, देयर इज नो करंट इन द लाइन, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, देयर इज नो करंट इन द लाइन, अगर लाइन में कोई करंट नहीं होगा तो उस समय हम लोग सर्किट को आइसोलेटर के द्वारा अलग करते हैं। उसके बाद है ड्यूअलिटी थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी ऑफ फोरियम ट्रांसफॉर्म स्टेट दैट, ड्यूअलिटी थ्योरम का डिफिनेशन क्या है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेप ऑफ सिग्नल, शेप ऑफ सिग्नल इन टाइम डोमेन, यहाँ पर ठीक है। एंड शेप ऑफ स्पेक्ट्रम कैन बी इंटरचेंजेबल, तो यहाँ पर शेप ऑफ सिग्नल जो होना चाहिए